So hey guys, hello and welcome back to another video. And today I'm back once again with another match analysis video, जो कि है day 2 के match 1, जो कि था Erangel का, and ये match जीता था team Marcos ने. तो इस match को हम analyze करेंगे और बताएंगे कि team Marcos ने क्या बढ़िया decisions लिए, and team 8bit जो कि ये chicken निकाल सकती थी, team Xpac जो कि ये chicken निकाल सकती थी, एंड टीम कैमिन ईस्पोर्ट्स भी ये चिकन निकाल सकती थी. किस तरीके से उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस के चलते ये चिकन को चोक कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि चिकन जो है वो ये टीम्स नहीं ले पाई. स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमें कोई भी मेजर फाइट देखने को नहीं मिली थी टिल स्टेज 2, बट स्टिल जब स्टेज 2 चल रहा था तब सोल जो टीम है वो एलिमिनेट हो गई थी, एंड दे बिकेम द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड. बट हमें यहाँ पे ये देखने को मिला था कि टीम सोल काफी ज्यादा पैसिव खेल रही थी, काफी ज्यादा डिफेंसिव खेल रही थी, वो फाइट्स को अवॉइड कर रही थी, जो कि हम जिस टीम सोल को जानते हैं वो काफी ज्यादा अग्रेसिव खेलती है, काफी ज्यादा फ्री खेलती है. हमने स्क्रिम्स में देखा है, हमने ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में देखा है कि कितना फ्री होके वो खेलते हैं, एंड किस तरीके से उनके सारे प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया फ्रैग्स निकाल के काफी ज्यादा किल पॉइंट्स भी सिक्योर करते हैं. बट अभी तक हम जो परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि टीम सोल काफी ज्यादा पैसिव खेल रही है, जिस वजह से शायद वो उनकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट हो रहा है, उनके गेम स्टाइल के अगेंस्ट हो रहा है, एंड हमें वो टॉप 5 या फिर टॉप 3 में देखने को नहीं मिल रही है. टीम सोल इस मैच में सारे के सारे प्लेयर गाड़ी से रोटेट करते हुए ही पकड़े गए थे, उन्हें प्रॉपर गन फाइट एक भी नहीं ली, एंड एक एक करके सारे प्लेयर दो टीम से एलिमिनेट हुए, एंड चारों के चारों प्लेयर जब एलिमिनेट हुए वो गाड़ी ही चला रहे थे. तो कह सकते हैं कि फाइट को नहीं लिया गया, और वही अगर यहाँ पे टीम इन सेंस से फाइट ले लेते तो शायद यहाँ पे टीम सोल को जो है वो कुछ पॉइंट्स भी मिल जाते, एंड एक उनको मोमेंटम भी मिल जाता था, जो उसको जिसको कैरी फॉरवर्ड करके वो आगे जाके शायद चिकन में निकाल सकते थे. बाहर हो चुके हैं सर्कल का एक शिफ्ट. अब इस सर्कल की बात करें तो ये सर्कल मेंशन और शेल्टर को कवर कर रहा था, एंड काफी ज्यादा टीम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टीम सर्कल के अंदर थी, जिसमें मार्कोस गेमिंग उनके पास था सर्कल का सेंटर, एंड लास्ट जोन तक सर्कल जो था वही बनता रहा, एंड टीम मार्कोस ने काफी आराम से चिकन निकाल लिया. ऑल्दो मिड स्टेज में कह सकते हैं कि टीम मार्कोस पे जब स्लैम आया था वहां पर उन्होंने दो प्लेयर जरूर खो दिए थे, स्लैम आया था गॉडसेंड का, बट वो दो प्लेयर खोने के साथ साथ उन्होंने चार किल पॉइंट्स भी निकाल लिए थे, एंड आगे जाके चिकन डिनर भी बहुत ही आराम से निकाल लिया था. शेल्टर के एरियाज और क्रॉसरोड्स के बीच में मूव करता हुआ नजर आएगा टीम Xpac के पुकार. वेल स्टार्टिंग फाइट टीम Xpac ने सबसे पहले ली थी वेलोसिटी के अगेंस्ट, और वो फाइट हुई थी जॉर्जपुल के एरियाज के पास, जॉर्जो बैक साइड. तो इस टाइम पे स्टेज 4 भी स्टार्ट हो चुका था, एंड सर्कल मेंशन के नीचे और शेल्टर के बीच में था, यानी कि शेल्टर के ऊपर मेंशन के नीचे बिल्कुल सेंट्रलाइज सर्कल था, एंड कह सकते हैं कहीं ना कहीं आधी टीमें सर्कल के अंदर थी और आधी टीमें सर्कल के बाहर थी. अब यहाँ पे बात करें तो ईस्टर्न पार्ट जो सर्कल का था पूरे तरीके से खाली था. टीम Xpac जिनको ईस्टर्न पार्ट से ही अंदर आना था उनके लिए पूरा रास्ता यहाँ पे खाली था, एंड उनको बहुत आराम से सर्कल में एंट्री मिल गई थी, एंड इनफैक्ट कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट जोन तक टीम Xpac गई भी थी. बट एक छोटी सी गलती टीम Xpac की यहाँ पे कि वो सारे बंदे एक ही शैक में बैठ गए थे, जबकि उनके आसपास गाड़ियां खड़ी थी, वो गाड़ी का कवर बना सकते थे उसको ब्लास्ट करके, वरना बिना ब्लास्ट करे भी गाड़ी के कवर में बैठ सकते थे, बट उन्होंने वो नहीं किया, सारे एक ही शैक में गए, एंड वहां पे 8-bit का एक नेड आया एंड पूरी टीम वहां पे वाइप हो गई. मार्कोस की बात करें सर्कल के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे थे, अगर उनसे सर्कल हार्ड शूट मार के कहीं जाता तो उनको तुरंत रोटेशन देनी पड़ती, बट ऐसा नहीं हुआ, सर्कल उन्हीं के पास बनते रहे एंड वो बस एक कंपाउंड को होल्ड करके बैठ रहे. क्योंकि अगर हम बात करें इस पूरे सर्कल में एक यही ऐसा कंपाउंड था जिसपे अगर तुम्हें रश करना तो तुम्हें ओपन में आना ही पड़ेगा, चाहे तुम गाड़ी पे आ रहे हो, चाहे तुम ऑन फुट आ रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से आ रहे हो, तुम ओपन में आओगे बंदे तुम्हें स्प्रे डाउन कर देंगे, पूरा पूरा चांस होगा, एंड यहाँ पे वही होगा. धीरे धीरे करके टीम्स यहाँ पे अटैक करेंगी एंड एक एक करके एलिमिनेट भी हो जाएंगी. टीम 8bit जो कि मिल्टा की तरफ से ऊपर आ रही थी उनको आराम से यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, लास्ट में हमें टीम मार्कोस और टीम 8bit का ही फाइट देखने को मिलेगा. टीम खिलाड़ियों को स्पॉट कर सकते हैं वो एक. अब यहाँ पे टीम गॉड जो थी वो वेस्टर्न पार्ट पे थी, कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उनके पास भी रास्ता पूरा खाली था. उनके राइट साइड में टीम वीएलटी जरूर थी, बट आई डोंट थिंक उनको एज सच कोई थ्रेट था, वो आराम से सर्कल यहाँ पे आके ले सकते थे, एंड यहाँ पे उनको काफी ज्यादा रिजेस देखने को भी मिलते जिसे होल्ड करके वो खेल सकते थे, एंड कहीं ना कहीं कैमिन ईस्पोर्ट्स की पिक्स भी निकाल सकते थे. वहीं यहाँ पे बात करें टीम इनसेन, टीम स्पाई एंड टीम ब्लाइंड, इनको थोड़ी दिक्कतें जरूर होने वाली थी क्योंकि सर्कल में जब ये आते तो इनको यहीं से घुसना पड़ता. मोस्टली ये टीम जो थी वो यहीं पे प्रायोरिटी दिखाती है अपने घुसने की, यहाँ पे ऑलरेडी दो तीन टीम जो थी वो सर्कल को गेटकीप कर रही थी.
तो काफी चांसेस थे कि एलिमिनेट हो जाएंगे एंड वही वही एलिमिनेट हुए भी। टीम एंटिटी अभी यहाँ पे कुछ ही समय में मार्कोस के ऊपर रश मारेगी, जहां पे 4v4 की सिचुएशन होगी। टीम मार्कोस दो बंदे अपने जरूर खो देगी, बट उनको बाकी 4 पॉइंट्स बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। अलग बात होगी, बट इनसे इनके स्लग ने देखिए ऑलरेडी गाड़ी चढ़ाना चालू कर दिया। शोगन हाउएवर रिस्पॉन्ड्स बैक, हर्ष के ऊपर नॉक आता है और देखते ही देखते टीम इनसेन वो इस गेम से बाहर हो चुके हैं। बदमाशी ग्लेडिएटर्स की चालू है, बट 3+ नॉक थे, इसका फायदा उठाने आए थे बनी, बट उनको भी नॉक फिनिश कर दिया है यहाँ पे। ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है ग्लैडिएटर्स, दे डेफिनेटली डिड प्रीटी गुड। हालांकि शोगन और जस्टिन का डाउन, ब्लाइंड के साथ फाइट ले रही है ऑलरेडी। देखिए टीम ब्लाइंड देखते ही देखते गेम से वो भी बाहर हो चुके हैं। चलिए एक दो तीन में से एक गेम तो खत्म हो गया, बट ये क्या देख रहे हैं, गॉड्स रेन वर्सेस मार्कस। मार्कस के प्लेयर्स इस घर के अंदर घुसना चाहते हैं, निंजा जॉर्ड रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके ऊपर खिलाड़ी हावी हो चुके हैं। रॉबिन को भी डाउन किया जा चुका है, गॉड्स रेन बहुत ज्यादा दिक्कतों में फंस चुकी है। ब्लेज की एचपी, विल टॉक अबाउट दैट, बिकॉज़ ब्लेज की क्रेट बन चुकी है। एंड मार्कस गेमिंग विद 8 फिनिशेस एंड 2 प्लेयर्स सर्वाइविंग। ओह दिस इज बैड, चारों तरफ यहाँ पे हाहाकार मच चुका है, हर जगह पे टीम्स फाइट ले रही है और आखिरी प्लेयर। सो एज आई सेड कि टीम मार्कोस पे आएगा रश एंड दो बंदे वहां पे मार्कोस के जरूर पिक ऑफ हो जाएंगे, बट उनको बाकी 4 किल बहुत आराम से मिल जाएगी। टीम गोस्ट ने पुश किया था एंड बहुत ही आराम से यहां पे मार्कोस ने उनको पूरा वाइप कर दिया। रास्ता बनाएंगे ने एक और टीम, तो हां टीम एक्सपाक और वेलोसिटी के बीच में फंस के यहां पे स्टेज 5 में जो सर्कल बना उसमें हम देख सकते हैं कि मार्कोस गेमिंग अभी भी सर्कल में है एंड वो इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सेफ है, क्योंकि अगर वहीं से सर्कल शिफ्ट भी होता है तो जहां से भी उनको रोटेट करना हो वो बहुत ही आराम से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फाइट चल रही थी टीम एक्सपाक और वन ब्लेड के बीच में, जो कि अगर वो फाइट को वन ब्लेड अवॉइड करती तो शायद टीम एक्सपाक और वन ब्लेड दोनों ही सर्कल में आ जाती, बट वहां पे उनकी फाइट चलती रही। टीम एक्सपाक ने वन ब्लेड को एलिमिनेट भी कर दिया था एंड आराम से सर्कल में एंट्री भी ले ली थी। वहीं यहाँ पे टीम लखनऊ जेंट्स थी, उनके पास भी पूरा पूरा मौका था, वो यहाँ से रोटेट करके इस टिप को या फिर यहाँ पे कवर बना के गाड़ियों को आराम से होल्ड कर सकते थे, या फिर वो कैमिनी स्पोर्ट पे सीधा स्लैम देके उनको वाइप करने की भी कोशिश कर सकते थे। वहीं यहाँ पे टीम मेडल एंड टीम एडविट भी धीरे धीरे रेवेनेंट के क्लोज आ रही थी, ऑल्दो टीम मेडल जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएगी, बट टीम एडविट वहां पे सरवाइव करने में कामयाब हो गई थी कह सकते हैं। ऑल्दो एक मैन उन्होंने जरूर खो दिया था, बट फिर भी 3 मैन उनके लास्ट तक सरवाइव कर रहे थे। टीम स्पाई की बात करें, उनके पास भी यहाँ पे पूरा पूरा मौका था, अगर वो यहाँ पे स्लैम देते तो आई थिंक 3v2 की सिचुएशन थी जो टीम स्पाई शायद निकाल सकती थी, बट उन्होंने स्लैम नहीं दिया, वो यहाँ पे सर्कल के अंदर आए एंड थोड़ा सा होल्ड करा एंड कुछ टाइम बाद वो भी वहां पे एलिमिनेट हो गए। 5वां सर्कल 1.5 मिनट में चलना शुरू हो जाएगा, तो जोन का डैमेज तो और भी ज्यादा गलत पड़ने वाला है। इन सब चीजों को देख के और सोच के टीमों को आगे चलना आ देते हैं। एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं वो है गाड़ियों के टायर्स बर्स्ट आउट करना, ताकि उनके ओपोनेंट्स अगर निकले तो ओपन में निकले। वेलोसिटी को भी स्पॉट किया है क्या इन्होंने दूर दराज लिया है इस टूर्नामेंट में इस समय तक। अगर इस फाइट की बात करें जो कि चल रही थी टीम एक्सपाक और वन ब्लेड के बीच में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-1-1 का स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा था, जिसमें ड्रीम्स जो थे उनको पता था कि एक बंदा उनके सामने है क्योंकि उनकी फाइट चल रही थी। तो अब टीम एक्सपाक को ये पता है कि एक बंदा उनके सामने है तो 3 बंदे कहीं और है। यहाँ पे वन ब्लेड को भी कुछ शॉट्स पड़े थे, तो यानी कि वन ब्लेड रॉकस्टार की जो पोजीशन थी वो भी रिवील हो चुकी थी। तो 2 प्लेयर की तो क्लियर कट यहाँ पे पोजीशंस पता थी कि एक प्लेयर यहाँ पर है, एक प्लेयर यहाँ पर है, तो ये जो टीम वन ब्लेड है वो स्प्लिट में खेल रही है एंड यहाँ पे वन ब्लेड के जो बाकी 2 प्लेयर्स है उसको आदित्य ने स्पॉट कर रखा था। अगर टीम स्पार्क यहाँ पर डिसीजन ले थे कि ये जो स्नाइपर टावर इस पर स्लैम देना है तो इनको यहाँ पे 2 किल्स बहुत ही पहले मिल जाते एंड कह सकते हैं कि फिर वो रॉकस्टार और हीरो को भी एलिमिनेट करके 4 पॉइंट्स लेके सर्कल के अंदर एंट्री ले सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पे इस फाइट को एंगेज में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया एंड मे भी कह सकते हैं कि इस वजह से उनको सर्कल का वो स्पॉट नहीं मिला जो वो ले सकते थे या फिर चिकन भी निकाल सकते थे। यहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा टाइम लिया इस फाइट को निकालने में, ऑल्दो चारों प्लेयर्स की यहाँ पे पोजीशन पता थी, तो अगर एक वहां पे हार्ड कॉल आई थी कि स्लैम देते हैं तो अगर यहाँ पे स्लैम कर दिया जाता तो शायद काफी ज्यादा चांसेस थे कि टीम एक्सपाक जो है वो यहाँ पे वन ब्लेड को पूरा वाइप मार जाती। टीम एक्सपाक के ऊपर भी एक कर्स है, वो है कि टॉप 3 तक आते हैं लेकिन टॉप पर नहीं जा पा रहे हैं। आज का दिन उन चीजों को बदलने का दिन हो सकता है, टीम एक्सपाक आज के दिन चीजें बदल सकती है और उसकी शुरुआत सारंग वापस से करते नजर आएंगे इमोर्टल को स्मोक के बीच में, और ये मोलोटोव और चीजें खराब करता है। वेलोसिटी का एलिमिनेशन, नमस्कार।
अब इस टाइम की अगर बात करें तो टीम स्पाई पे जो थे वो मार्कोस ने बैक टू बैक ग्रेनेड डाले एंड कुछ ही समय में टीम स्पाई को पूरा एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन प्लेयर टीम स्पाई के जिंदा थे एंड सर्कल में एक कंपाउंड बचा था जो कि था ये वाला जिसको होल्ड कर रही थी मार्कोस की विंग। अब लास्ट जोन्स में जो भी कंपाउंड सर्कल के अंदर होते हैं वो होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे काफी ज्यादा टीम्स के रश आते हैं या फिर दूर से भी नॉक निकाल के फिनिश ऑफ करने की कोशिश करी जाती है। तो अगर लास्ट जोन में आपको कोई कंपाउंड सर्कल में दिख रहा है और आपके पास कह सकते हैं कि अच्छी गन पावर है, अच्छी मैन पावर है, तो आप वहां पे स्लैम दे सकते थे। उसी तरीके से यहाँ पे टीम स्पाई जो थी वो स्लैम दे सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में प्रोबेबिलिटी होती कि दो से तीन प्लेयर ही जिंदा है या फिर हो सकता है एक ही प्लेयर जिंदा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जो कंपाउंड जोन में है उसमें चारों प्लेयर देखने को मिलेंगे, कब बहुत बार ऐसा होगा कि उस कंपाउंड में चारों प्लेयर भी होंगे, बट लास्ट जोन में आपको ऐसे रिस्की डिसीजन लेने ही पड़ेंगे जो कभी कभी आपका साथ देंगे और कभी कभी आपके गेंद चल जाएंगे। तो वही टीम स्पाई यहाँ पे ओपन में रुक के अपनी गाड़ियों से कवर बनाने की बजाय इस कंपाउंड पे स्लैम मार देती तो शायद अभी जिंदा होते। एंड इनफैक्ट यहाँ पे दो कंपाउंड थे जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में थे, अगर एक कंपाउंड पर उनको शॉट आया भी वो दूसरे कंपाउंड पे भी स्लैम दे देते तो भी शायद यहाँ पे चिकन डिनर जो है वो स्पाई निकाल सकती थी, बट उनपे कुछ शॉट्स आए जिस वजह से उन्होंने ओपन में ही गाड़ी रोक के कवर बना दिया जो उनके लिए काफी गलत साबित हुआ एंड वो यहाँ पे एलिमिनेट भी हो गए एंड टीम मार्कोस को यहाँ पे कुछ और किल पॉइंट्स मिल गए। पायदान पे 8-12 में मात्र एक अंक मिलते हैं लेकिन इस समय आप देखिए स्पाई के जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से खेल रहे हैं और क्या दिक्कतें आ सकती हैं प्लेयर्स को। वन ब्लेड का हो चुका है एलिमिनेशन, 8-bit के चारों खिलाड़ी, टीम एक्सपार्क के चारों खिलाड़ी, केविन के भी खिलाड़ी हैं लेकिन टीम एक्सपार्क देखते देखते 8-bit की बदौलत उनको भी लॉबी से बाहर किया जाएगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि टीम एक्सपर्क ने एक गलती कर दी कि वो एक ही शैक के अंदर सारे प्लेयर घुस के बैठे हुए थे जिस वजह से वो एलिमिनेट हो गए। तो ये था वो शैक, इसके आसपास आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां थी, पीछे दो गाड़ी ऐसी भी थी जो डैमेज नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकता था, बट उन्होंने इस शैक को कंट्रोल लेना सही समझा और इस शैक के अंदर सबने कवर बनाने जिसकी वजह से सामने से नेड आया 8-bit beast का एंड पूरी टीम एक्सपर्क यहाँ पे वाइप हो गई। अब टीम एक्सपर्क यहाँ पे इस चीज के ये करने की बजाय और काफी सारी चीजें कर सकती थी, उनके पास स्मोक्स थी, वो इतने बड़े बड़े एरिया को यूटिलाइज करके, इस ड्रॉप को यूटिलाइज करके यहाँ पे इतने कवर बना सकते थे एंड थोड़ा स्प्लिट में खेल सकते थे। हमें पता है कि टीम एक्सपर्क की गन पावर कितनी अच्छी है, वो एक एक प्लेयर 1v1 निकाल सकता है बहुत ही आराम से, तो अगर वो स्प्लिट में भी खेलते तो चांसेस होते कि यहाँ पे टीम एक्सपर्क जो है वो चिकन डिनर निकाल सकती थी, बट एट द एंड They decided to stick together and एक नेड एंड पूरी गेम पलट गई। 20 का एक ग्रेनेड और वहीं पे हुआ है एलिमिनेशन। इस समय विनिंग परसेंटेज के हिसाब से हाँ 8-bit का पलड़ा भारी है लेकिन ये खा चुके हैं एक को, इनफैक्ट नॉक किया, फिनिश भी करना चाहते हैं, दूसरे को देखा जरूर लेकिन माइटी उनका ध्यान जब तक भटका तब तक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हो चुकी थी। तीन खिलाड़ी बचे हैं 8-bit के और ये तीनों खिलाड़ी इस फाइट में आना जरूर चाहेंगे लेकिन केविन के प्लेयर्स देखिए वो मार्कोस के घरों पर जाना चाहते हैं जो कि एक सही डिसीजन है, बट मार्कोस अपना घर डेफिनेटली डिफेंड करना चाहिए स्पाइक। अब इस सिचुएशन में टीम केविन ईस्पोर्ट्स ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया क्योंकि उन्होंने मार्कोस गेमिंग का जो कंपाउंड था जो काफी देर से होल्ड करके बैठे थे वहां पे स्लैम करने का डिसाइड किया, बट उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, उन्होंने जोन के टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि कितनी देर में जोन जो है वो क्लोज होने वाला है एंड उन्होंने इधर स्लैम देना काफी कह सकते हैं कि देर कर दिया, काफी लेट स्लैम दिया जिस वजह से उनको जोन का भी डैमेज पड़ रहा था एंड स्प्रे गॉड को भी बहुत ही कह सकते हैं ज्यादा टाइम मिल गया उनको फिनिश करने का, ऑल्दो स्प्रे गॉड ने अपनी स्प्रे से खत्म नहीं किया, वो खत्म हुए थे नेट से जो कि था वैक्सी का, बट अगर यही टीम केविन ईस्पोर्ट्स पहले कर देती उनके तीन पे रवि भी जिंदा थे, अगर वो पहले ही स्लैम मार देते तो शायद यहाँ पे मार्कोस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकती थी और जो चिकन मार्कोस ने निकाला वो शायद टीम केविन निकाल सकती थी। एचपी बहुत कम, जोन के साथ उनकी एक अलग ही जंग चल रही है, आपको गो डाउन किया जाएगा चूसी के द्वारा और साथ के साथ फिनिश भी किया जाएगा। एक ग्रेनेड जाता है, एक DBS जाती है और केविन को किया जाता है बाहर। द फाइट कम्स अप फॉर मार्कोस एंड 8-bit और इसमें मार्कोस गेमिंग के पास सबसे अब यहाँ पे बची थी लास्ट दो टीम जो कि थी केविन ईस्पोर्ट्स और टीम 8-bit। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम 8-bit के तीन बंदे जिंदा थे और मार्कोस गेमिंग के दो बंदे जिन पे कंपाउंड था। अब अगला सर्कल लेने के लिए मार्कोस को बाहर आना था एंड टीम 8-bit के पास काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी कवर बनाने के लिए एंड उनपे स्मोक भी थे, बट टीम 8-bit ने भी सेम गलती कर दी कि उन्होंने स्मोक को कह सकते हैं यूटिलिटीज को अपना सही तरीके से यूज नहीं किया
एंड वो भी एक ही जगह पे क्लस्टर बना के बैठ गए, जिसकी वजह से नेड का डैमेज आया, स्प्रे आया एंड बंदे एक एक करके नॉक होते गए। एंड टीम मार्कोस ने बहुत ही आराम से यहाँ पे चिकन निकाल लिया। ऑल्दो अगर टीम एडमिट यहाँ पे रश कर देती मार्कोस के ऊपर अपनी स्मोक वॉल बना के या फिर नेड करके या फिर एक दूसरे के एडीएस पे चल के भी, तो भी शायद मार्कोस यहाँ पे एलिमिनेट हो सकती थी और एडमिट यहाँ पे चिकन निकाल सकती थी। बड़ा फायदा है वो है इस घर का, इस दीवार का, और एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। दिस टीम इज ऑन अ रैम्पेज मोड राइट नाउ। बट इन्हें अभी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। 8 स्मोक से वैक्सी के पास, तो वो स्मोक वॉल तो क्रिएट कर सकते हैं, बट इस दौरान मोलोटॉफ से भी काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। माइटी और बीस्ट, यही दो खिलाड़ी बचे हैं। बीस्ट को जल्द से जल्द रिवाइव करना पड़ेगा, इनफैक्ट अब आपको हील करना पड़ेगा, आप जूसी को भी रिवाइव करना पड़ेगा। माइटी को किसी हाल में मोर्चा संभालने पड़ेंगे और टीम मार्कस गेमिंग को अच्छा खासा एक्सेस मिल चुका है। वैक्सी देखिए बहुत अच्छा एंगल में, वैक्सी के पास 13 गोलियां, वापस से रीलोड करेंगे, एक एडलिन बूस्ट मारना चाहेंगे और उसके बाद एक खिलाड़ी बीस्ट के अगेंस्ट इनकी फाइट हो सकती है। स्प्रे गॉट डाउन है, वैक्सी वर्सेस बीस्ट, पीछे से जोन भी आने वाला है, आगे जाएंगे डीबीएस लेकर के मुंह पे चढ़ना चाहेंगे और वहीं पे एक डीबीएस का चांटा एंड वैक्सी द मैन एवर सो सेक्सी जस्ट गेट्स इट फॉर द टीम, गेट्स इट फॉर हिमसेल्फ, गेट्स इट फॉर मार्कस गेमिंग। नोबडी डस इट बेटर देन सेक्सी वैक्सी। ओह व्हाट अ गेम, मार्कस गेमिंग दिल जीत लिया है आज, जिस तरीके से ये कॉम्पाउंड होल्ड किया है, गॉडस्ट्रेन के साथ फाइट किया, चारों तरफ जहां पे टीम्स मौजूद थी, इस बार हौसला नहीं टूटा है प्लेयर्स का, और जिस तरीके से अपने यूटिल्स के यूजेज किए फाइनल सर्कल्स में, वाह क्या गेम था। सो यार दिस इज इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से टीम मार्कोस ने चिकन निकाला, क्या वहां पे बढ़िया डिसीजन थे, क्या बढ़िया उन्होंने फाइट्स निकाली। टीम एक्सपार्क जो कि बहुत ही बढ़िया कंटेंडर थे चिकन निकालने के, उनकी ये गलती जिसकी वजह से उन्हें चिकन डिनर को वहां पे लूज कर दिया। टीम कैमिनी स्पोर्ट्स जो कि चिकन निकाल सकती थी, काफी बढ़िया डिसीजन भी लिया लास्ट ब्रश करने का, बट वो डिसीजन लेने में काफी देर कर दी, जिस वजह से वो भी वहां एलिमिनेट हो गए। एंड टीम मार्कोस जिन्होंने बहुत पहले इस कंपाउंड को होल्ड करा एंड बढ़िया तरीके से उस कंपाउंड को सिक्योर करके अपने पास रखा एंड चिकन भी निकाल लिया। एंड वहीं दूसरी ओर टीम सोल जो कि कह सकते हैं इस बार फैन फेवरेट है, वो काफी ज्यादा हमें डिफेंसिव खेलती हुई दिखी, पैसिव खेलते हुए दिखी, जिस वजह से बिना गन फाइट लिए वो इस मैच में अर्ली एलिमिनेट हो गई। एंड यस दिस इज इट फॉर द वीडियो। I hope you are liking this series of me analyzing the matches. So yes, thank you so much for joining. I hope you liked. And if you did, make sure to like, subscribe and share. I'll catch you tomorrow in another video. Till then, bye-bye. Take care. Peace out. Stay healthy. Have a nice day. Bye-bye.